बाजारगंज मुरादाबाद के रहने वाले मनीष गोयल, जो कि साइबर क्राइम को रोकने में हर किसी को जागरूक कर रहे हैं, उन्हीं के सम्मान में लोगों ने उनको बधाइयां दी और साथ ही गंज बाजार और वेव सिनेमा एमडीए कॉलोनी में एक बड़ी एलईडी टीवी द्वारा सुदर्शन चैनल द्वारा दिखाया जा रहा इंटरव्यू में उनको बहुत ज़्यादा ही अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही मार्क ज़ुकरबर्ग ईमेल के जरिए ऐसे व्हाट्सएप के फीचर्स को उन्होंने अलर्ट किया जिससे भारत में तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा, क्योंकि मनीष गोयल समस्त महानगरवासियों से उनके इस विश्वास एवं प्यार को देखकर वादा करते हुए मनीष गोयल ने कहा कि भारत से साइबर अपराध को ख़त्म करने में तन मन धन से प्रयास करते रहेंगे। और साथ ही भारत के युवाओं से निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी पुलिस, मीडिया और राजनीतिक लोगों की नहीं बल्कि आम आदमी की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए साइबर अपराध ना कर सके कोई, इसलिए हम लोगों को सर्वप्रथम अपनी हर एक चीज़ को अपराधियों से अपराध मुक्त कराने के लिए हमें खुद सुरक्षित डिजिटल इंडिया के तहत आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने सभी से इस प्रकार अपील भी की। और अगर आम व्यक्ति उसमें साथ नहीं देता है तो ये हमारी गलती है, लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आम व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। वो टैलेंटेड लोग दो दिशा में भटक जाते हैं, या तो वो विदेश चले जाते हैं या वो क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आम व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए और देश को सुरक्षित किया जाए। एक मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें बोला था कि आप लोग अवेयर करते हो, मैं मना नहीं कर रहा आप लोग करते हो, लेकिन शायद वो अवेयरनेस उस आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उस पर कोई मैसेज नहीं आते, उसको मैसेज पढ़ने नहीं आते, यहां तक कि उसको हस्ताक्षर करने भी नहीं आते। वो लोग कैसे अवेयर हो जाएंगे? इसको लेकर मैंने उनसे कहा कि जब किसी का पैसा निकले, चाहे वो उस आम व्यक्ति की गलती से हो, चाहे वो बैंक की गलती से हो, उसमें उस बैंक के मैनेजर की स्टेटमेंट जानी चाहिए अखबार में कि इसमें इस आम व्यक्ति का ये रोल था, यानी कि ये गलती थी। जब आप अपनी तिजोरी का पासवर्ड किसी को बता दोगे तो उसमें पुलिस, मीडिया, राजनीतिक लोग कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है। लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे पल्स पोलियो का एक आम आदमी को सरकार ने बीड़ा दिया, आप देखिए हम लोग पोलियो पे हैं। ऐसे क्या सारी जिम्मेदारी मीडिया, पुलिस और राजनीतिक लोगों की है? आम व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो उस व्यक्ति को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? जब हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, तो अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ाइए। देश तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरा निवेदन पुनः कि लोगों को आगे बढ़ाइए। और मैं कुछ गाइडलाइंस द्वारा मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं साइबर क्राइम रोक सकता हूँ। मैं अपनी गाइडलाइन विजय सांबला जी के यहाँ पे दिल्ली और बीजेपी ऑफिस में खुद देकर आया हूँ, जिसमें मुझे आश्वासन मिला है कि इन गाइडलाइंस को हम देखेंगे और आपको जवाब देंगे। मुरादाबाद के लोग